हेलो स्टूडेंट, जय स्वामी नारायण। टुडे वी कंटिन्यू विद द एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर, ओके, यूनिट नंबर 5। ट्रैपेज़ॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल में डिफरेंस कौन सा है? दोनों रूल में क्या डिफरेंस है? तो ट्रैपेज़ॉइडल रूल और सिम्पसन्स रूल, द बाउंड्री, ट्रैपेज़ॉइडल रूल में द बाउंड्री बिटवीन द ऑडी इट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेट। दैट मीन्स दो पॉइंट, बाउंड्री के जो एंड पॉइंट है और ऑर्डिनेट जो भी हमने लिया है उसका एंडिंग पॉइंट क्या हमने कंसिडर करना है? स्ट्रेट करना है। जबकि दूसरा जो रूल है सिम्पसन्स रूल, तो उसमें आर्क ऑफ पैराबोला लेना है। देन देयर इज नो लिमिटेशन, इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी नंबर ऑफ द ऑर्डिनेट्स। उसमें कोई रूल नहीं है, आप इवन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हो ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हो तो दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। दिस रूल कैन बी अप्लाइड व्हेन द नंबर ऑफ द ऑर्डिनेट्स मस्ट बी ऑड। दैट मीन्स नंबर ऑफ द डिवीजन क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। और नंबर ऑफ द ऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। ओके, देन इट गिव्स एन एप्रोप्रिएट रिजल्ट एंड इट गिव्स ए मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन द ट्रैपेज़ॉइडल रूल। एरिया ऑफ ट्रावर्स, तो द एरिया ऑफ ए क्लोज ट्रावर्स में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग मैथड्स। फर्स्ट वन इज ट्राइंगुलर मैथड, ट्राइंगल मैथड। सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेट मैथड, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पे से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। द लैटिट्यूड एंड डबल मेरिडियन डिस्टेंस मेथड एंड द डिपार्चर एंड टोटल लैटिट्यूड मेथड। इसका एग्जांपल्स आप देखोगे ना तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ओके, अभी हम मेथड्स देख लेते हैं। ट्राइंगल मेथड, द पॉलीगॉन कैन बी डिवाइडेड इंटू सिंपल फिगर्स ईच ऑफ विच कैन बी मेजर्ड एंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ ईच फिगर विल गिव द टोटल एरिया। ओके, तो ट्राइंगल मैथड में क्या है? यूजिंग ओनली द ट्राइंगल्स डिवाइडेड द एरिया इन टू फ्यूअर पीसेस एंड सिंप्लीफाइज कैलकुलेशन। दैट मीन्स जो भी एरिया है उसको हम ट्राइंगल में ही डिवाइड करेंगे और ट्राइंगल वो ट्राइंगल में डिवाइड करके आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट, ये सबका समेशन करके आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी एरिया है टोटल उसको ट्राइंगल में डिवाइड किया है। ट्राइंगल मेथड, व्हेन ऑल द साइड्स आर नोन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय ऑल साइड्स। दैट मीन्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक साइड है ट्राइंगल की, दूसरी साइड है, तीसरी साइड है, तो ये हमें नोन होती है और एंगल नोन होता है एक, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और थ्री साइड्स आर नोन, व्हेन ऑल द साइड्स आर नोन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय, तो एस दैट मीन्स 1/2 ए बी सी। ए बी सी क्या है? दैट इज साइड्स है। ओके, तो आपके पास ए बी सी है और एस कैसे फाइंड आउट करना है? बाय यूजिंग ए बी सी। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा डेटा रिक्वायर है? ओनली साइड्स आर रिक्वायर्ड। ओके, लेंथ ऑफ थ्री साइड्स आर रिक्वायर्ड, वो हमारे पास हो तो हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राइंगल मेथड में दूसरा क्या है? इफ द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर नोन द एरिया इज गिवन बाय। फॉर एग्जांपल टू साइड्स हमें नोन है और के उसके उसका एंगल भी नोन है टू साइड्स का, तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, द एरिया 1/2 इज इक्वल टू ए बी साइन ए सी बी। देन उसी तरह से 1/2 बी सी साइन बी ए सी। ओके, और उसी तरह से 1/2 सी ए, सी और ए उसके सामने का एंगल क्या आएगा? ए आएगा। ओके, तो जो भी टू साइड्स अवेलेबल होना चाहिए, एक एंगल अवेलेबल होना चाहिए, वो अवेलेबल होगा तो आप इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हो? एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। देन सिंपल फार्मूला कौन सा है? इफ द लेंथ ऑफ द बेस एंड द परपेंडिकुलर आर नोन द एरिया इज डिवाइडेड बाय, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। देन नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट मेथड, तो आप कोऑर्डिनेट पे से क्या फाइंड आउट कर सकते हो? एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो एरिया ऑफ द क्लोज टावर्स में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई मेथड। द कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टावर्स आर कन्वर्टेड इंटू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। जो भी कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स है उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है विथ रेफरेंस टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मोस्ट वेस्टर्ली स्टेशन। ओके, तो दस द होल ट्रावर्स इज ट्रांसफर टू द फर्स्ट क्वार्टर। दैट मीन्स जो भी कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे आपको पता हो तो हमने आगे डिस्कस किया था कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो तो ये फोर क्वार्टर में कोऑर्डिनेट होंगे। ओके,
तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, ओके सर्कल ले लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट का साइन अलग अलग आएगा, दैट मीन्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का साइन अलग अलग आएगा, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स का साइन माइनस आएगा, वाई का प्लस आएगा, यहाँ पे एक्स और वाई का दोनों का साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे एक्स का साइन जो भी है प्लस आएगा और वाई का माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स और वाई दोनों का साइन माइनस आएगा, ओके तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट जो भी है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में है, तो आप जो भी कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स है उसको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करते हो, तो वो प्रोसीजर हमने आगे किया था कि ये पूरा जो ट्रावर्स है यहाँ से ये इससे इसको लाइन से ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रावर्स मिलेगा, यहाँ से ये ज्वाइन किया, यहाँ से ये ज्वाइन किया, दिस वन इज कॉल्ड क्लोज ट्रावर्स, तो ये पूरा ट्रावर्स है उसको हम कौन से क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, ओके तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है और बाद में सब प्रोसीजर करना है, ओके यहाँ पे मोस्ट वेस्टर्ली स्टेशन कौन सा है, वन है, ओके तो उसको फर्स्ट जो जो भी स्टेशन है, ओके मोस्ट वेस्टर्ली स्टेशन उसका जो भी मोस्ट वेस्टर्ली स्टेशन इज दिस वन, ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो भी अलग अलग दिया है उसमें हमें उसको हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाना है और सबका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स में से इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में आप कन्वर्ट करते हो तो सभी कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई जो भी है वो पॉजिटिव हो जाते हैं, वो आपको याद रखना है, तो यहाँ पे देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई, तो पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव और वन, तो वन पे स्टार्ट करने का, तो वन का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स वन वाई वन आएगा, टू का एक्स टू वाई टू, थ्री का एक्स थ्री वाई थ्री, फोर का एक्स फोर वाई फोर, फाइव का एक्स फाइव वाई फाइव, और अगेन वन पे जाते हैं तो एक्स एक्स वन वाई वन, ओके यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका फर्स्ट पॉइंट है उसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, दैट इज वाई वन इंटू एक्स टू प्लस वाई टू इंटू एक्स थ्री, दैट इज सिग्मा ए, एंड सिग्मा बी इज इक्वल टू वाई टू इंटू एक्स वन, ओके पॉजिटिव प्रोडक्ट्स, पॉजिटिव प्रोडक्ट्स एक्स वन वाई वन, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ज्वाइन बाय सॉलिड लाइन, दैट इज एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स थ्री वाई फोर, एक्स फोर, दैट मीन्स जो भी सॉलिड लाइन से ज्वाइन किया है दैट इज पॉजिटिव प्रोडक्ट, एंड सम ऑफ द जो भी नेगेटिव प्रोडक्ट्स है दैट इज डॉटेड लाइन, दैट इज वाई वन एक्स टू, देन वाई टू एक्स थ्री, तो ये नेगेटिव प्रोडक्ट्स है, तो आपको एरिया कैसे मिलेगा, वन बाई टू इंटू सम वन माइनस सम टू, तो इस तरह से आपको एरिया मिलेगा, द कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई डबल एरिया, तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, आपको रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, वन बाई टू सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, दिस वे द एरिया ऑफ द क्लोज ट्रावर्स में बी कैलकुलेटेड, देन लैटिट्यूड एंड डबल मेरिडियन डिस्टेंस, ओके तो लैटिट्यूड और डबल मेरिडियन डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफर द फिगर, तो लैटिट्यूड एंड डबल मेरिडियन डिस्टेंस है, तो कैलकुलेशन ऑफ डीएमडी इज इक्वल टू डीएमडी ऑफ फर्स्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल लाइन ए बी की बात करें तो डीएमडी ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू डिपार्चर ऑफ फर्स्ट लाइन, डीएमडी ऑफ द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन के हमें डीएमडी फाइंड आउट, डबल मेरिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डीएमडी ऑफ फर्स्ट लाइन प्लस डिपार्चर ऑफ फर्स्ट लाइन एंड डिपार्चर ऑफ द सेकेंड लाइन, ओके देन अगेन डीएमडी ऑफ एनी सक्सेडिंग लाइन, दैट इज डीएमडी ऑफ द प्रिसीडिंग लाइन प्लस डिपार्चर ऑफ प्रिसीडिंग लाइन एंड डिपार्चर ऑफ द लाइन इट्सेल्फ, ये सब फार्मूलाज हैं, उसको हमें फार्मूलाज की मदद से हमें ये सब फाइंड आउट करना है, देन नेक्स्ट वन इज लैटिट्यूड एंड डबल मेरिडियन डिस्टेंस वाला, तो कैलकुलेशन ऑफ एरिया कैसे कर सकते हो, तो डीएमडी इज मल्टीप्लाइड बाय द लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन,
दैट मीन्स डबल मेरिडियन डिस्टेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन. द एल्जिब्रिक सम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज वर्क आउट एंड दिस सम इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया. डिवाइड दिस एरिया बाय टू तो आपको क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा. ओके, हाफ ऑफ दिस सम गिव्स द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रावर्स ए बी सी डी ई. हम एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे डिटेल में, तो ये आपको ये मेथड पता चलेगा. डिपार्चर एंड द टोटल एटीट्यूड. द टोटल एटीट्यूड ऑफ एनी पॉइंट इट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस स्टेशन पैरेलल टू द रेफरेंस मेरिडियन. इन द फिगर रेफरेंस स्टेशन चूजन इज पी थ्रू विच द रेफरेंस मेरिडियन पासिस पी एंड पासिंग. ओके, द डिपार्चर एंड टोटल एटीट्यूड. द टोटल एटीट्यूड ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द लैटिट्यूड्स ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेशन एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन. ओके, द डिपार्चर एंड द टोटल लैटिट्यूड कैलकुलेशन ऑफ एरिया. तो क्या आएगा, द टोटल लैटिट्यूड दैट इज लैटिट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ ईच स्टेशन ऑफ द ट्रावर्स इज फाइंड आउट एंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिपार्चर ऑफ द टू लाइन्स मीटिंग एट अ स्टेशन इज डिटरमाइंड एंड द टोटल लैटिट्यूड इज मल्टीप्लाइड बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिपार्चर्स फॉर ईच इंडिविजुअल पॉइंट. द डिपार्चर एंड द टोटल लैटिट्यूड. तो एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस पॉइंट गिव्स द ट्वाइस एरिया. हाफ ऑफ दिस सम गिव्स द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रावर्स. आई नो द नेगेटिव साइन टू एरिया हैव नो सिग्निफिकेंस. देखो ये सबका एग्जाम्पल्स आप देखोगे ना तो ये पता चलेगा, उसके अलावा कुछ पता चलने वाला नहीं है. तो आपको ये एग्जाम्पल्स देख, मैं जब ये एग्जाम्पल्स कराऊंगी तो आपको ये मैथड डिटेल में देखना तो आपको पता चलेगा. प्रोसीजर क्या है, क्या करना है, हाउ टू फाइंड आउट टोटल एटीट्यूड, हाउ टू फाइंड आउट डिपार्चर. ओके, टोटल एटीट्यूड, डिपार्चर, कॉर्ड डीएमडी, डबल मेरिडियन डिस्टेंस, वो सब कैसे फाइंड आउट करना है. तो आप डीप में एग्जांपल्स देखोगे ना तो देन द प्लानीमीटर इज यूज फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ एरिया फ्रॉम द प्लॉटेड प्लान. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये प्लान दिया गया है तो दिस वन इज कॉल्ड प्लानीमीटर. इसका रियल नेम क्या है, एस्मलार पोलार प्लानीमीटर. ओके, इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट वन इज, दिस वन इज कॉल्ड एंकर आर्म, दिस वन इज कॉल्ड ट्रेसिंग आर्म. ट्रेसिंग आर्म ये है. ओके, एंकर आर्म ये है. ओके, दिस वन इज कॉल्ड ट्रेसिंग, दिस वन इज कॉल्ड फिक्स्ड पोल. ओके, और फ्लक्चुअम जिसको बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड पोल आर्म. ओके, दिस वन इज कॉल्ड ट्रेसिंग आर्म. ये ट्रेसिंग आर्म है, क्यों, यहाँ पे ट्रेसिंग पॉइंट दिया गया है. ओके, आप देख सकते हो. तो दिस वन इज कॉल्ड ट्रेसिंग आर्म, दिस वन इज कॉल्ड एंकर आर्म और पोल आर्म. और यहाँ पे फिक्स पोल है और फ्रक्चुअम है जिसकी मदद से ये इंस्ट्रूमेंट घूम सकता है. दैट मीन्स ये पोर्शन क्या है, हमें कोई जगह पे फिक्स करना होता है जिसकी वजह, जिसकी ये फिक्स होने के बाद ही ये जो आपका ट्रेसिंग आर्म है वो मूव होता है. ओके, दिस वन इज कॉल्ड मेजरिंग रूलर. तो हमें कोई भी एरिया है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट लेना होता है. यहाँ से ये जो भी आपका ट्रेसिंग आर्म है, ट्रेसिंग पॉइंट है, यहाँ से ये पूरा मूव करना होता है और वहाँ पे वापस जाना होता है. ओके, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है. देन बाद में आपको मेजरिंग रोलर यहाँ पे रीडिंग लेना होता है. ओके, तो आपको इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप रीडिंग लेते हो उससे पहले आपको एक इनिशियल रीडिंग ले लेना है. देन बाद में आपको ये ट्रेसिंग पॉइंट मूव करने के बाद में जो भी रीडिंग आता है वो आपको नोट डाउन करना होता है. दैट इज कॉल्ड द फाइनल रीडिंग. तो यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट पार्ट्स दिया है. तो दिस वन इज कॉल्ड द ट्रेसिंग आर्म, दिस वन इज कॉल्ड एंकर आर्म, दिस वन इज कॉल्ड वेट और फ्लक्चुअम, और दिस वन इज कॉल्ड नीडल पॉइंट. देन दिस वन इज कॉल्ड क्लैम्प, टेंजेंट स्क्रू, इंडेक्स बार. तो इंडेक्स बार में स्केल दिया होता है तो मैन्युफैक्चरर आपको स्केल के, फॉर एग्जांपल कोई मैक का स्केल है 1:500 या 1:2, तो उसके हिसाब से आपको ये इंडेक्स बार जो होता है उसमें सेटिंग करना होता है. तो आप ये इंडेक्स बार, एंकर ट्रेसिंग आर्म है वो मूव हो सकता है, और जो इंडेक्स बार है उसमें आपको स्केल, यहाँ पर स्केल दिया होता है तो उसमें सेटिंग करना होता है. ओके, दिस वन इज कॉल्ड वन ईयर, दिस वन इज कॉल्ड व्हील, और दिस वन इज कॉल्ड डायल. ओके, डायल, व्हील एंड वन ईयर, ये कंपोनेंट पार्ट्स है. नीडल पॉइंट, दिस वन इज कॉल्ड ड्रेसिंग पॉइंट,
दिस वन इज कॉल्ड हिंज. ओके, ट्रेसिंग आर्म. ट्रेसिंग आर्म इज एन आर्म विच मैनेजेस द पोजिशन ऑफ द ट्रेसिंग पॉइंट एट वन एंड विद द हेल्प ऑफ द हिंज. ये ट्रेसिंग आर्म है, उसके साथ क्या अटैच है, ट्रेसिंग पॉइंट है. तो आपको फॉर एग्जांपल ट्रेसिंग पॉइंट मूव करना है, तो ट्रेसिंग आपकी मदद से आप ट्रेसिंग पॉइंट मूव कर सकते हो. देन ट्रेसिंग पॉइंट इज द मूवेबल नीडल पॉइंट विच इज कनेक्टेड टू ट्रेसिंग आर्म. दिस पॉइंट इज मूव्ड ओवर द आउटलाइन ऑफ द एरिया टू बी मेजर्ड. एंकर आर्म. एंकर आर्म इज यूज टू मैनेज द एंकर पोजिशन और नीडल पॉइंट पोजिशन ऑन द प्लांट. इट्स वन एंड इज कनेक्टेड टू द वेट एंड नीडल पॉइंट एंड द अदर एंड टू द इंटीग्रेटिंग यूनिट. तो एंकर आर्म कहाँ पे अटैच होता है, तो एंकर आर्म देख सकते हो आप, दिस वन इज एंकर आर्म. तो एक फ्लक्चुअम के साथ में अटैच है और एक क्या है, रेसिंग आर्म के साथ में अटैच है. दिस वन इज कॉल्ड द एंकर आर्म. Then next one is weight and needle point. It is also called as anchor. A fine needle point is located at the base of the heavy block. This needle point is anchored at required station on the. This needle point is anchored at required station on the plant. Then tangent screw. Tangent screw is used to extend the tracing arm up to the required length. Okay. Then index is location where all the measuring arrangement like the wheel dial are located. Clamp is used to fix the tracing arm in the standard length without any extension. Okay. Hinge the tracing arm. Clamp kya hai? Clamp is used to fix the tracing arm in standard length. Tracing arm ko स्टैंडर्ड लेंथ में सेट करना है. मैंने अभी बोला आपको स्किल के हिसाब से आपको ट्रेसिंग आपको सेट करना है, जिस पे इंडेक्स बार है उसको सेट करना है विदाउट एनी एक्सटेंशन. ओके, स्टैंडर्ड लेंथ विदाउट एनी एक्सटेंशन. तो क्लैंप की मदद से आप कर सकते हैं. हिंज द ट्रेसिंग आर्म एंड एंकर आर्म आर कनेक्टेड बाई हिंज टू इंटीग्रेट यूनिट. विद द हेल्प ऑफ दिस हिंज द आर्म्स कैन रोटेट अबाउट द एक्सिस. Then wheel is fixed in the integrating unit, which helps to measure the tracing length. It is used to set the zero on the skid. तो wheel की मदद से आप क्या करते हो? It is used to set the zero on the scale. Dial is nothing but a scale which is to be set zero at the initial level using the setting the scale. Then vernier is added to the wheel as rounded drum with the graduation on it. It is divided into 100 parts. Wheel is fixed in integrating unit with which helps. Wheel kya hai? Wheel ki madad se aap kya kar sakte ho? Wheel is fixed in integrating unit which helps to measure the tracing length. Okay. ट्रेसिंग लेंथ कितनी है वो मेजर कर सकते हो आप. इट इज यूज टू सेट द जीरो ऑन द स्केल. ओके, तो मेनली क्या होता है इसमें, व्हील डायल एंड जो भी आपका वर्नियर है ना, उस पे से आपको रीडिंग फाइंड आउट करना होता है. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हील कहाँ है, डायल कहाँ है. दिस वन इज कॉल्ड डायल, दिस वन इज कॉल्ड व्हील और यहाँ पे वर्नियर है. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, डायल में कैसे रीडिंग लेना होता है वो तो हम देखेंगे, बट ये तीनों से हम रीडिंग ले सकते हैं, डायल, व्हील एंड वर्नियर. ओके, व्हील इज फिक्स्ड इन इंटीग्रेटिंग यूनिट विच हेल्प्स टू मेजर द ट्रेसिंग लेंथ. इट इज यूज्ड टू सेट द जीरो ऑन द स्केल. डायल इज नथिंग बट ए स्केल विच इज टू बी सेट जीरो एट इनिशियल लेवल यूजिंग द सेटिंग व्हील. वर्नियर इज अटैच्ड टू द व्हील एज राउंडेड ड्रम. तो वर्नियर में कितने मार्किंग होते हैं, दैट इज 100 पार्ट्स में इट इज डिवाइडेड. कैसे फाइंड आउट करना है द वर्नियर ऑफ द, जो भी आपको प्लानिंग मीटर से एरिया कैसे फाइंड आउट करना है. द वर्नियर ऑफ द इंडेक्स मार्क इज सेट टू एग्जैक्ट ग्रेजुएशन मार्क ऑन द ट्रेसर आर्म कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्केल एज गिवन इन द टेबल. तो इंडेक्स मार्क में मैंने आपको बोला कि भाई आपको स्केल कोई भी मैप का है तो उसके हिसाब से अंदर सेटिंग दिया होता है कि आपको
इंडेक्स मार्क जो भी है ये यहाँ पे सेट करना है. ओके, सेट टू एग्जिट ग्रेजुएशन मार्क्ड ऑन द ट्रेस ऑफ आर्म करस्पॉन्डिंग टू द स्केल एज गिवन इन द टेबल. सपोज द स्केल इज 1:1, देन द वर्नियर ऑफ द इंडेक्स मार्क शुड बी सेट एज पर वैल्यू गिवन इन द टेबल अगेन इज द स्केल ऑफ 1:1. द एंकर पॉइंट इज फिक्स फार्मली इन द पेपर आउटसाइड और इन साइड द फिगर. तो आपको क्या करना है, एंकर पॉइंट जो भी है उसको पेपर के अंदर या पेपर के बाहर आपको फिक्स करना है. बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू सेट द एंकर पॉइंट आउटसाइड द फिगर. दैट मीन्स आपके पास कोई मैप है तो आपका एक बार क्या होता है, एरिया बहुत बड़ा होता है ऑन पेपर, तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपका एंकर पॉइंट है वो आपको फिगर के अंदर रख के सब प्रोसीजर करना पड़ता है. बट पॉसिबल हो, एरिया छोटा हो और मैप छोटा हो, तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपका एंकर पॉइंट है वो बाहर सेट करना चाहिए. इफ़ द एरिया इज़ वेरी लार्ज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ द स्मॉल डिविजन्स. तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल एरिया बहुत बड़ा है, उसमें से हमें उसका एरिया हमें प्लानिंग मिनिस्टर से फाइंड आउट करना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो भी एरिया है उसको डिवाइड कर दो अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स में. ट्रेसिंग पॉइंट आप बाहर ही रखो. ओके, और हर एक एरिया जो भी आपने अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स में एरिया को डिवाइड किया उसको प्लानिंग मीटर से फाइंड आउट करो, और जो भी एरिया फाइंड आउट किया उसको आप ऐड करो. ओके, ये प्रोसीजर है. ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज मार्क ऑन द बाउंड्री लाइन एंड द ट्रेसिंग पॉइंट इज प्लेस्ड ओवर इट. ऑब्जर्व द काउंट डेज. ओके, द वीर एंड द वर्नियर एंड द रिकॉर्ड इट एज ए इनिशियल रीडिंग. तो आपको क्या करना है, जब भी आपने स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दिया तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वीर वर्नियर एंड काउंटिंग इसका रीडिंग लेना है. ओके, और फिर बाद में आपने ये प्रोसीजर करने के बाद पूरा जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने ट्रेसिंग पॉइंट रखा वहाँ से मूव होते होते पूरा एरिया जो है उस पे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेसिंग पॉइंट घुमाना है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वापस वहाँ पे लेके जाना है. ओके, तो ट्रेसिंग पॉइंट इज मूव जेंटली इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द एरिया टिल इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, द नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ द जीरो मार्क ऑफ द डायल पासेस द इंडेक्स मार्क इन ए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शुड बी नोटिस्ड. तो वहाँ पे डायल कितनी बार जीरो मार्क से पास होता है वो आपको नोट डाउन करना है. इन ए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शुड बी नोटिस्ड. फाइनली बाय ऑब्जर्विंग द डेज विद एंड वन ईयर द फाइनल रीडिंग इज रिकॉर्डेड. द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल रीडिंग गिव्स द रिक्वायर्ड प्लान एरिया ए. ओके, आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, तो प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द एरिया विथ अ प्लानिंग मीटर. तो ए इज इक्वल टू एम फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग प्लस और माइनस 10 m प्लस सी, वेर एम इज द मल्टीप्लायर कॉन्स्टेंट, वो 100 cm² होता है, और नेचुरल स्केल के लिए 1:1 के लिए. ओके, एन इज द नंबर ऑफ द टाइम्स जीरो मार्क ऑफ द डायल पासेज द इंडेक्स मार्क. जब भी आप ये एग्जाम्पल्स करोगे ना तो ये सब आपको कौन कौन से टर्म्स ये फॉर्मूला में है वो याद रखना पड़ेगा, तो ये आपको कौन सा डेटा है वो पता चलेगा. तो नंबर ऑफ द टाइम्स द जीरो मार्क ऑफ द डायल पासेज द इंडेक्स मार्क. सी इज द एडिटिव कॉन्स्टेंट गिवन इन द टेबल, तो वो मैन्युफैक्चरर देता है. ओके, फाइनल रीडिंग इनिशियल रीडिंग एन इज कंसिडर्ड पॉजिटिव वेन द जीरो ऑफ द डायल पासेज द इंडेक्स मार्क इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एन इज कंसिडर्ड नेगेटिव वेन द जीरो ऑफ द डायल पासेज द इंडेक्स मार्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. द वैल्यू ऑफ सी इज एडेड ओनली वेन द एंकर पॉइंट इज इन साइड द फिगर. जब भी एंकर पॉइंट अंदर होता है दैट मीन्स आपकी फिगर, आपका जो भी मैप है बहुत बड़ा है, तो आपको क्या फ्लक्चुअम और एंकर पॉइंट अंदर रख के सब प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो तभी वैल्यू सी आएगा. फॉर एग्जाम्पल एंकर पॉइंट आउटसाइड द फिगर होगा तो वैल्यू ऑफ सी क्या होगा, जीरो होगा. जनरली द वन ईयर इज सेट फॉर स्केल 1:1 ऑन द ट्रेसिंग आर्म एंड द एरिया ऑफ द लैंड इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्लान एरिया बाय द स्केल टू विच द प्लान इज ड्रॉन. व्हेन द एंकर पॉइंट इज आउटसाइड इफ जीरो मार्क डज नॉट पास द इंडेक्स मार्क n is equal to 0, m is equal to 100, then the required area A is equal to. Anchor point is outside. If 0 mark does not pass the index mark, that means आपका जो भी value है n is equal to 0 and m is equal to 100 है,
जीरो मार्क डज नॉट पास द इंडेक्स मार्क, दैट मीन्स जीरो मार्क ऑफ द डायल पासेस इन क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन जो डिस्कस है वो इसमें ऐसा बताया है कि डज नॉट पास द इंडेक्स मार्क, दैट मीन्स एन का वैल्यू क्या लेना है आपको, जीरो लेना है. एम का वैल्यू कितना है, 100. देन रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू 100 फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग. द मल्टीप्लायर कॉन्स्टेंट और मल्टीप्लायर कॉन्स्टेंट क्या है, ओके, द मल्टीप्लायर कॉन्स्टेंट और द प्लानीमीटर कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ एरिया पर रिवोल्यूशन ऑफ द रूलर. द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट फॉर द वेरियस सेटिंग ऑफ द ट्रेसिंग आर्म आर जनरली सप्लाइड बाई द इंस्ट्रूमेंट मेकर. When not supplied, it can be calculated by the expression. So m is equal to 2mRL, where m is equal to planimeter constant, and L is the length of the tracing arm, capital L. R is the radius of the roller or wheel. The value of m is generally kept at 100 cm². For any other setting of the tracing arm, the value of m can be determined by traversing the perimeter of the figure of known area with anchor point outside the figure. So m is equal to known area divided by n dash a divided by n dash. Multiplier constant, known area divided by n dash, where n dash is change in the wheel reading. It is to be noted that value of m and c depends upon the length l which is adjustable. Okay, तो m और c की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एंकर जो भी आर्म लेंथ है, ओके, टोटल लेंथ l विच इज एडजस्टेबल. एंकर जो भी आपके पास ट्रेसिंग आर्म है उसकी जो लेंथ है उस पे डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ m एंड c. द मैन्युफैक्चरर्स ऑलवेज सप्लाई द वैल्यूज ऑफ वन ईयर सेटिंग ऑन द ट्रेसिंग आर्म विद कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ m एंड c. मल्टीप्लायर कॉन्स्टेंट, द फॉलोइंग टेबल इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वैल्यूज फॉर द टिपिकल प्लानीमीटर. तो यहाँ पे आपको दिया है वन ईयर पोजिशन ऑन द ट्रेसिंग, फॉर एग्जाम्पल स्केल ये है तो वन ईयर पोजिशन ऑन द ट्रेसिंग बार कितना रखना है, इतना रखना है. स्केल कितना है, एरिया फॉर द वन रिवोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग व्हील कितना है, 100 cm² है. एक्चुअल एरिया कितना है, कॉन्स्टेंट कितना लेना है, दैट इज 23.254 लेना है. एम का वैल्यू कितना लेना है, एक्चुअल दैट इज 100 cm² और कॉन्स्टेंट सी का वैल्यू ये लेना है. तो यहाँ पे अलग अलग स्केल के लिए आपके पास वन ईयर पोजीशन कितना सेट करना है वन ईयर इंडेक्स मार्क पे, तो वो यहाँ पे दिया है. स्केल दिया है 100 cm², जो भी स्केल है एक्चुअल क्या क्या है, दैट इज 100 cm², ओके. तो एरिया फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग व्हील, तो यहाँ पे 100 cm² के लिए 100 cm², यहाँ पे 4.4 m², ओके, ये दिया है. कॉन्स्टेंट सी कितना लेना है, तो कॉन्स्टेंट सी आपको दिया है कि अलग अलग स्केल के लिए कॉन्स्टेंट सी ये लेना है, अलग अलग स्केल के लिए एम का वैल्यू 100 लेना है, ओके, दूसरे में दिया नहीं है. तो वो मैन्युफैक्चरर ही सप्लाई करता है आपको जो भी क्या वैल्यू लेना है, एम का वैल्यू क्या लेना है, सी का वैल्यू क्या लेना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है वो ही उसने ही अंदर बताया होता है कि आपको इंडेक्स मार्क पे ये रीडिंग सेट करना है, ओके, वर्नियर पे ये रीडिंग सेट करना है, और दूसरा एम और सी का वैल्यू कितना रखना है वो सब आपको देंगे. ओके ओके, थैंक यू. आगे हम जो भी बाकी है, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ जीरो सर्कल क्या है, ओके, वो सब फाइंड आउट करना कैसे कर सकते हैं, ओके, देन वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. टोटल चैप्टर नेम इज एरिया एंड वॉल्यूम, दैट मीन्स अभी तो ये एरिया पोर्शन ख़त्म हुआ है, आपको वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, तो उसका भी हम आगे देखेंगे. ओके, थैंक यू.